नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी खुद की पीएसडी ऑटोमेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी एल्बम सेंस 2021 में हमें बहुत सारी पीएसडी मिलती है, बट फिर भी हर डिजाइनर का एक क्रेज होता है कि मैं अपनी खुद की पीएसडी को ऑटोमेशन में यूज करूं। तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपनी खुद की पीएसडी किस तरह से इसमें सेट कर सकते हैं और उसे ऑटोमेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी खुद की पीएसडी जो मैंने अभी नेट से डाउनलोड की हुई है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं आपको कैसे उसको ऑटोमेशन में सेट करना। यहाँ पे पीएसडी फोल्डर में ये दो पीएसडी मैंने डाउनलोड की हुई है, ये मैं एक पीएसडी ओपन करता हूं। ये देखिए मेरी पीएसडी ओपन हो गई है। अब इस पीएसडी में कितने लेयर्स हैं वो मैं जरा चेक कर लेता हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां पे दो लेयर ज्वाइंट में है। अगर मैं इसे एडिट करना चाहूं तो मैं उसे एडिट करके भी ले सकता हूं। तो ये लेयर मेरे किसी काम का नहीं है, ये दो लेयर मुझे एक ऊपर का एक नीचे का ये लेना है, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। इसी तरह से इसका बैकग्राउंड का जो एक सेम लेयर है ये लेयर यहां पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं इस बैकग्राउंड को इतने को मुझे कट करना है। या तो समझो ये मुझे इतना ही मटेरियल चाहिए, तो इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया है। यहां से मैं सिलेक्शन टूल लेता हूं, इतने को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल डी कर लेता हूं। ये मुझे यहां पे ये डुप्लीकेट यहां पे मिल गया है। अब इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूं, ये मुझे जो कंटेंट चाहिए जो मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो गया, ये दो लेयर आ गए मेरे पास। इसे मैं जैसे था वैसे एडजस्ट कर लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, जहां जहां मुझे फोटोज लगाने हैं, जिन जिन लेयर्स पे, जिन जिन स्पेस पे, मतलब के फोटो बॉक्सेस जो है जहां पे मैं ऑटोमेशन में फोटोज लगाना चाहता हूं, उन लेयर्स को सिलेक्ट करके उसके ऊपर मैं उसके मास्क जनरेट करूंगा। अब जैसे यहां पे ये तीन लेयर है, ये मैंने सिलेक्ट किया। अब अगर मैं यहां पे सीधा डायरेक्टली ऐसे क्लिक करता हूं तो मेरा मास्क जनरेट हो जाएगा, बट ये मास्क मेरा स्क्वायर जनरेट हुआ। तो ऑटोमेशन में मेरी जो फोटो लगेगी वो स्क्वायर मोड में लगेगी, पर मुझे तो इस शेप के अंदर लगानी है, तो मैं इस मास्क को यहां से रिमूव कर देता हूं। फिर से मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब मैं जैसे ही कंट्रोल दबा के इसे सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए ये अपने शेप में सिलेक्ट हुआ है। अब मैं इसका मास्क जनरेट करता हूं, यहां से मास्क मेनू में जाकर मैंने क्लिक किया तो मेरा उसी शेप में मास्क जनरेट हुआ है। तो इस तरह से मैं तीनों के मास्क बना लेता हूं। ये अब इस लेयर को सिलेक्ट किया मैंने, मास्क बनाया, तीसरे लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, लेयर विंडो में जाके मैंने क्लिक किया, ये देखिए उसको सिलेक्शन मिल गया। तो ये मेरे तीन लेयर के मास्क यहां पे बन गए। अब ये दो लेयर यहां पे मेरे पास अवेलेबल है, ये इस स्पेस को सिलेक्ट किया और मास्क बनाया। इसमें मैं कंट्रोल दबा के सिलेक्शन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो स्क्वायर शेप में ही है, तो मुझे फोटो स्क्वायर शेप में ही लगानी है। पांचवा लेयर सिलेक्ट किया,
ही मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से ये मेरे पांचों बॉक्स मास्क के साथ रेडी हो गए। अब ये जो पीछे जो दो फोटोग्राफ लगे हुए, एक ये फोटोग्राफ है और एक ये फोटोग्राफ, ये ऑलरेडी अपने मास्क के साथ अवेलेबल है, ये भी अपने मास्क के साथ अवेलेबल है, तो यहाँ पे मुझे मास्क बनाने की जरूरत नहीं। ये देखिए उसका मास्क यहाँ पे अवेलेबल है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फोटो लगा सकता हूँ। अब ये सातों फोटो मेरी लैंडस्केप यहाँ पे लग रही है। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, मैं फाइल मेनू में जाता हूँ और सेव एज करता हूँ। सेव एज करके मैं फोटो सेंस के फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मुझे एक फोल्डर जनरेट करना है। मैंने राइट क्लिक किया, न्यू किया और फोल्डर किया। इस फोल्डर को मुझे नाम देना है सीक्वेंस टेम्पलेट। ये मैंने नाम दे दिया सीक्वेंस टेम्पलेट, इसे डबल क्लिक किया। अब इसके अंदर मैं अपने फोटो कॉम्बिनेशन के हिसाब से फोल्डर जनरेट करता जाऊंगा। ये मेरा जो कॉम्बिनेशन है ये 7 लैंडस्केप फोटो का कॉम्बिनेशन है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर 7_0। ये मेरा एक कॉम्बिनेशन बन गया। इस फाइल को मैंने 001 करके सेव कर दिया। ये मेरी फाइल सेव हो गई है। अब मैं इसे कंट्रोल W करके बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये फोटो गैलरी ओपन कर ली है। यहाँ पे ऑलरेडी फोटो का फोल्डर मेरा ओपन है। अपने खुद के PhD में अगर मुझे ऑटोमेशन में काम करना है तो मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, बट मुझे एक ब्लैंक पेज डिजाइन करना पड़ेगा। मैं फाइल में गया, न्यू पेज किया। ये मेरा 12x36 का साइज था, मैंने 12x36 सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। ये 12x36 का ब्लैंक पेज मेरा जनरेट हो गया। अब मुझे 7 फोटोग्राफ, मतलब कि 7 लैंडस्केप फोटो मुझे इसमें लगाने हैं। तो मैं यहाँ से फोटो सिलेक्ट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मेरे 7 फोटोग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे मेरे पास मल्टी फोटो बॉक्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये मैंने मल्टी फोटो बॉक्स के ऑप्शन को क्लिक किया। तो ये देखिए मेरी PSD जो मैंने 7_0 वाले फोल्डर में सेव की थी वो मुझे यहाँ पे सिलेक्शन में आ गई है। अब फिलहाल उस फोल्डर में एक ही PSD मैंने स्टोर की है तो मुझे एक ही सिलेक्शन मिल रहा है। इस तरह से आप एक से ज्यादा जितनी भी आपकी PSD फाइल हो वो आप यहाँ पे स्टोर करेंगे तो वो आपके सिलेक्शन में आ जाएगी। ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे उसने पेज को सिलेक्शन में ले लिया। अब मैं इंसर्ट फोटोज करता हूँ तो ये मेरा पेज तैयार होके आ गया। यहाँ पे मेरे लेयर्स ऑलरेडी जैसे के तैसे अवेलेबल हैं, उसे मैं अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। प्लस मुझे कोई फोटो चेंज करने हैं, फोटो को उसकी स्पेस से उसकी जगह से चेंज करना है, स्वैप करना है, तो वो मैं ऑटोमेटिकली जैसे बाकी की जो फैसिलिटीज मुझे सॉफ्टवेयर की जो अवेलेबल है वो तो मैं यूज कर ही सकता हूँ। ये मैंने फोटो सिलेक्ट किया, अगर इसकी जगह चेंज करनी है तो मैंने इस लेयर को मैं टेम्पररी बंद कर देता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये ब्लू बॉर्डर है, इसको मैं अनलिंक करता हूँ, ये वाइट हो गया। इस फोटो को मैंने सिलेक्ट किया, ये नीचे वाले फोटो को, इसको भी मैं टेम्पररी डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, इसे भी मैंने डबल क्लिक किया, अनलिंक हो गया। अब शिफ्ट दबा के इन दोनों को मैंने, सॉरी ये फोटो सिलेक्ट करना है और ये करना, ये दोनों मैंने सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे मेरे पास स्वैप फोटोज का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोनों फोटो की जगह चेंज हो गई है।
मतलब कि ऑटोमेशन के साथ साथ मुझे सॉफ्टवेयर की बाकी की यूटिलिटी तो जो एल्बम डिजाइनिंग के लिए जरूरी है वो सारी की सारी अवेलेबल है। अब इन फोटोज को, इन लेयर को मुझे अगर स्ट्रोक लगाना है, बॉर्डर्स देनी है, तो मैं बॉर्डर्स यहाँ से आसानी से दे सकता। तो मेरी खुद की डिजाइन भी यूज हो रही है, ऑटोमेशन भी हो रहा है और डिजाइनिंग मेरी बहुत आसानी से और इजीली बन रही है। तो इस तरह से आप अपनी खुद की डिजाइन्स को ऑटोमेशन में एल्बम सेंस 2021 में बहुत ही सरल तरीके से यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।